हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम मेहरा और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। सलमान खान की फिल्म राधे की जल्द ही ऑफिशियल घोषणा। सलमान खान आए दिन अपनी खबरों में बने रहते हैं। सलमान खान अपनी एक्टिंग और अपने अनोखे स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक्टिंग दर्शकों को बेहद पसंद आती है। इसी के साथ सलमान खान के लुक और स्टाइल दर्शकों को बेहद पसंद आता है और सलमान खान के फैंस उनके सभी नए स्टाइल और लुक को फॉलो भी करते हैं। सलमान खान अपनी हाल ही में आ रही फिल्म दबंग 3 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान इस फिल्म में दो एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी फ्लैशबैक की होगी, जहां सलमान खान चुलबुल पांडे बनने से पहले और बनने के बाद तक की दिखाई जाएगी। इसी के साथ इस फिल्म में खूब सारा एक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि फिल्म राधे को लेकर काफी खबरें सामने आ रही हैं। सलमान खान इस बार ईद 2020 पर राधे फिल्म लाने वाले हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म का निर्देशन प्रभु देवा करने वाले हैं। प्रभु देवा के साथ सलमान खान की पहली सहयोग फिल्म वांटेड थी, जहां सलमान खान एक अंडरकवर पुलिस वाले थे। इस फिल्म ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था। आज भी ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आती है। लेकिन फिल्म राधे की कहानी की बात करें तो अभी तक इसकी कहानी के बारे में इतना बताया नहीं जा रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ खबरों से हमें पता चला है कि सलमान खान के अपोजिट दिशा पटानी नजर आने वाली है। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है, आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारी न्यूज को todays.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।